नमस्कार, मैं हूं पूजा चरसे, आपके साथ स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 49 महीनों से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी के चलते रामनगर में भी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मन की बात का ये 50वां एपिसोड है, जिसे देश के 50 शहरों में आयोजित किया गया। मन की बात के लिए केंद्रीय सरकार ने राजनगर शहर को भी शामिल किया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। ये कार्यक्रम रामनगर नगर पालिका के ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया, जिसके लिए नगर की भाजपा कमेटी ने सारे इंतजाम किए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व जब से सरकार का नेतृत्व किया है, तब से उन्होंने हर महीने अंतिम इतवार को मन की बात कार्यक्रम चलाए और 49 कार्यक्रम आज तक हो चुके हैं। ये 50वां एपिसोड इस बार ये 25 नवंबर को होना है। तो केंद्र ने हमारी योजना, केंद्र सरकार की योजना है कि 50 जो एपिसोड है इसको पूरे देश में 50 स्थानों पर बड़े स्तर पर करने की योजना बनाई है। हम लोग अपने वो सौभाग्यशाली समझते हैं कि रामनगर विधानसभा को भी उसमें लिया गया है। और जो नरेंद्र मोदी जी जो अपनी मन की बात करते हैं, जो जनता की बात होती है, उसका जिस प्रकार से सफल पिछले 49 एपिसोड में हुआ है, उसी तरीके से ये 50वां एपिसोड भी है। इस प्रकार से 50 स्थानों पर चुनाव चिन्हित किया गया है कि बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन अन्य कार्यक्रम जहाँ भी स्थानों पर पहले से हुए होते हैं उन स्थानों पर ये कार्यक्रम चलेंगे, क्योंकि रामनगर है, अन्य शहरों में, हर जगह गाँव में भी हो सकते हैं जहाँ लोग नहीं आ पाते हैं, वो अपने घरों में भी उस कार्यक्रम को देखेंगे जो लाइव द्वारा होगी। तो यही मुख्य रूप से यही है, हमने अपने रामनगर के क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक लोग हैं, सबको हमने इन्वाइट किया है, सबको हमने निवेदन किया है कि इस एपिसोड में वो सब लोग भागीदारी करें। 3:30 बजे ऑडिटोरियम हॉल में जो नगर पालिका का है उसमें एकत्रित होकर 11 बजे से जो कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रारंभ होगा उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ये निवेदन हमने सभी लोगों से किया है। सितारगंज निकाय चुनाव में जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी हरीश दुबे को वार्ड नंबर 12 वासियों ने उनके बराबर वजन के लड्डुओं से तौला। जनता की आवाज उठाने वाले हरीश दुबे काफी लोकप्रिय नेता हैं। जनता की खुशी से साफ जाहिर होता है कि कितने लोकप्रिय ये नेता हैं, जिनको लड्डुओं से जनता ने तौल दिया। इस अवसर पर हरीश दुबे ने अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि जनता की जीत है, जिसे हर वर्ग हर समुदाय के लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर के हर व्यक्ति को लग रहा है कि चेयरमैन हरीश दुबे नहीं, वही हैं। पत्रकार बंधु उस समय भी मेरे साथ थे, तब भी मैंने ये कहा था कि ये जीत जनता की जीत है और सारे जो है कि जनता के लोग आज जो है कि अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। सारी जनता को ये लगने लगा है कि हम जीत गए हैं, जनता का राज आ गया है। और ये जो आप ये देख रहे हैं जो लड्डुओं से तोला, ये खुशी का इजहार है। उनको ऐसा लगने लग गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सितारगंज का जो है कि आज चेयरमैन हो गया है और हर व्यक्ति की वो सारी बातें जो लोगों से कहनी पड़ती थी उन्हें लगने लगा है कि हम स्वयं भी अपने आप से पूरी करा लेंगे। और इसी का खुशी का इजहार आपने देखा है, ये बिल्कुल बांध के चले। आप ये देखिए, ये जो वार्ड नंबर 12 है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उसके बाद आप ये बात को हर तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो चुनाव हुआ इसने और इस कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया कि जो है सर्व समाज की जीत हुई है। सारा समाज आज एक हो गया है, सितारगंज के अंदर एकजुटता जो दिखाई दी है वो आप इस बात को इस कार्यक्रम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ सारे हम इंसान हैं, सब एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में हिंदू वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म केदारनाथ के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिल्म निर्माता का पुतला दहन भी किया, केंद्र सरकार से फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही निर्माता निर्देशक का मुंह काला कराने वाले को 2 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केदारनाथ हिंदू समाज की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, इसके बावजूद उससे संबंधित एक फिल्म बनाई गई है जिसके ट्रेलर में न केवल अभिनेता नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि उसमें कुछ ऐसे भी दृश्य दिखाए गए हैं जिससे हिंदू समाज बेहद आहत है। अंदर में बहादुराबाद हिंदू युवा वाहिनी बहादुराबाद इकाई द्वारा
केदारनाथ फिल्म के विरोध में निर्माता निर्देशकों का पुतला जलाया गया है कि ये फिल्म जो केदारनाथ फिल्म आ रही है 2013 की आपदा के ऊपर फिल्म बनी, लेकिन इस फिल्म के अंदर में निर्माता निर्देशकों द्वारा इस्लामिक जिहादियों के इशारे पे हमारे भगवान श्री केदारनाथ जी और हमारी हिंदू संस्कृति को दूषित करने का काम किया गया है। हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिल्म निर्माता निर्देशकों को सीधी चेतावनी है, या तो इस फिल्म का नाम बदलो, या इसमें से गंदे सीन बदलो, या फिर अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। निर्माता निर्देशक जिसने हमारी संस्कृति को दूषित करने की कोशिश की है, इसका मेरा जो भी भाई मुंह काला करेगा और एक जूतों की माला इसके गले में डालेगा, हिंदू युवा वाहिनी 2,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार उसको देगी। हम लोग केदारनाथ फिल्म का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इस फिल्म में जो है हमारी धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया गया है। फिल्म का नाम केदारनाथ रखा गया है, लेकिन इसमें कमर्शियल ड्रामा, किसिंग सीन और प्रेम प्रसंग दिखाया गया, जो जिसमें कि लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है, और हम इस फिल्म का पुरजोर विरोध करेंगे। अभी तक क्या होता आया है कि हर फिल्म निर्माता जो है फिल्म को प्रचार प्रसार पाने के लिए उसमें भड़काऊ सीन डाल देते हैं और बाद में उस फिल्म को उस सीन से हटा दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है मामला कुछ और है। एक धार्मिक स्थल पर जो है उन्होंने एक प्रेम प्रसंग बनाया है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। फिल्म को किसी भी हाल में उत्तराखंड में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। निकाय चुनाव खत्म होने के बाद हरिद्वार में रविवार को सभी थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत थानों में कई टीमें बनाकर क्षेत्र के मकानों और दुकानों पर जाकर निरीक्षण किया गया और संदिग्धों से पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बार बार जागरूक किए जाने पर भी जो मकान मालिक अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आकर बसे लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सराहनीय काम है इनका, बहुत सराहनीय काम है और बहुत अच्छा पहल है इन साहब की। हमारे जो साहब आए हैं कोतवाल हरिद्वार में, बहुत इनका पहल की बहुत हम सराहनीय करते हैं। अच्छा लगा हमें, अपने हमारे मोहल्ले की साफ सफाई के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इस काम पहल इनकी स्वागत करते हैं और इनकी बहुत इनका स्वागत करते हैं हम लोग अपने मोहल्ले के अंदर। बहुत लोग बाहर के आ रखे हैं, उनका बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्रह्मपुरी के अंदर क्राइम करके चले जाते हैं और नाम ब्रह्मपुरी का बदनाम होता है, इसलिए हम चाहेंगे समय समय पर पुलिस ऐसी कार्रवाई करती रहे। ये ऐसा है, ये हम समय समय पर इसको रिव्यू करते रहते हैं। सत्यापन तो कुछ लोगों के हो रखे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए और नए किराएदार यहाँ आ गए, तो उनका सत्यापन हम लोग जो है यहाँ पे करवा रहे हैं, ताकि लोगों का जो एड्रेस है वो हमें मिल जाए और उसके बाद हम उस उनके जो एड्रेस को उनके जहाँ के वो मूल रहने वाले हैं वहाँ उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं कि क्या कोई उनका कोई प्रतिकूल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसलिए वो सत्यापन होकर आते हैं। यदि वहाँ यदि उन्होंने कोई क्राइम किया हो तो वो क्राइम वो जो है यहाँ एड्रेस उसका वेरीफाई हो जाता है और यहाँ से वो लोग आके उसको ले जाते हैं। विकासनगर संतोषी माता मंदिर ग्राउंड में जौनसार बावर कबड्डी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पूर्व खेल मंत्री प्रीतम सिंह ने कहा कि यहीं से खेल प्रतिभाएं उभर कर राज्य देश का नाम रोशन करती हैं। हमें इस प्रकार के आयोजन कर खेल प्रतिभाओं को उभारने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस खेल प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी की लगभग 150 टीमें भाग ले रही हैं। अंतिम दिन में कबड्डी खेल प्रतियोगिता आयोजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कबड्डी विलुप्त होती जा रही थी उसे फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। इसके लिए हमारे तमाम साथी बधाई के पात्र हैं। हर वर्ष आयोजन करते हैं, मैं समझता हूँ कि भविष्य में वो लगातार इस आयोजन को करने का काम करेंगे। मैं अपनी शुभकामनाएँ अपने तमाम साथियों को देता हूँ कि जो पुनित कार्य आपने अपने हाथों में लिया है उसको आप मुकाम तक पहुँचाने का काम। थैंक यू सर।
उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि निकाय चुनाव में हुई कांग्रेस की हार की प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्षदों को भी पार्टी का सिंबल दिया जाता तो कांग्रेस के आधे से ज्यादा पार्षद जीतते और नगर निगम की सीट कांग्रेस की होती। यही नहीं, पार्टी के अंदर विरोधी गतिविधियां भी हुई हैं जिससे कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। इंदिरा हृदयेश के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें प्रचार के लिए हल्द्वानी जाना चाहिए था। वहीं दिसंबर में होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को नसीहत दी है कि शीतकाल में सत्र देहरादून में और ग्रीष्मकाल सत्र गैरसैंण में होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के लिहाज से गैरसैंण उचित नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, अपने हाथों में ये देखती हूँ कि हमें सिंबल देना चाहिए था। अगर सिंबल देते तो 60 वार्ड में 200 वोट भी बढ़ते तो 12,000 वोट हमको प्राप्त होते, हम जीत गए होते। तो हरीश रावत प्रचार के वादा किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की है। उस दिन तो आज बयान दिया कि मुझे हल्द्वानी ना आने का मलाल है, तो उन्होंने खुद ही कह दिया उन्हें मलाल है, तो मैं क्या जवाब दूं इसका। गुंजवाल जी का ये भी कहना है कि मिसमैनेजमेंट रही मुख्य वजह, हर की जो बड़े निगम थे वहाँ मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं कमजोर रहा, जिसकी वजह से। अब ठीक है, वो बताएंगे क्या क्या मिसमैनेजमेंट है, उसे सुधार लिया जाएगा। मुझे तो पता नहीं कि मिसमैनेज, जो लड़ता है वो पूरी तरह से मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है। नहीं, समीक्षा तो होगी, देहरादून होगी, यहाँ नहीं होगी। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ समीक्षा होगी, और किन लोगों ने भीतर घात किया इसकी भी समीक्षा होगी। काशीपुर में हल्द्वानी डिपो की रोडवेज बस ने सड़क पर कहर बरपाते हुए एक साथ लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें सभी घायलों को सीपीओ और स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां से एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस चालक को पकड़ लिया और बस को कब्जे में ले लिया। काशीपुर में एक रोडवेज बस की टक्कर में घायल 55 वर्षीय वृद्धा की काशीपुर राजकीय चिकित्सालय में उपचार के समय मौत हो गई। मृतका का नाम चंदू देवी, पत्नी बेगम राम सिंह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर में सड़क पर कहर बरपाते हुए रोडवेज बस ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। सभी घायलों को सीपीओ और स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस चालक को पकड़ लिया और बस को कब्जे में कर लिया था। सर, ये हमारे ताऊजी और ताईजी हैं, ये तो ये अपने गांव से इधर मजदूरी करते हैं सर, तो वहां जा रहे थे, ताई हमारे पीछे चल रही थी और ताऊ हमारे आगे चल रहे थे, तो पीछे से देखा कि रोडवेज वाले ने बस चढ़ा दी हमारे ताई के ऊपर, जिसके पैरों पर चढ़ गया था भैया, तो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा हालत गंभीर हो गई थी, तो उसके उपरांत अस्पताल में एडमिट कराया था सर, उसकी वहाँ पे मौत हो गई है। ठीक है, जोशीमठ सीमांत विकास खंड प्राचीन काल से ही भारत तिब्बत के बीच व्यापार का केंद्र रहा है। इन मार्गों से तिब्बती और भोटिया जनजाति के व्यापारी चौवर गायों की मदद से माल का आवागमन करते थे या के क्षेत्र की जलवायु में आसानी से रह सकते थे। हिमाचल के हिमखंडों में रहने वाले याक को स्थानीय आम भाषा में चौर गाय कहा जाता है। वर्ष 1962 भारत चीन युद्ध के बाद से ही इन रास्तों पर व्यापार बंद हुआ, तो व्यापारियों ने याकों का पालन छोड़ दिया। अब जैसे ही ठंड बढ़ती है तो ये याक दोड़ागिरी से लौटकर सूखी गांव के जंगलों में कुछ मार रहेंगे और सैलानियों को आकर्षित करेंगे। इन याकों की देखरेख के लिए पशुपालन विभाग जोशीमठ ने एक डॉक्टर की नियुक्ति भी की है और डॉक्टर वर्ष भर दोड़ागिरी और आसपास के इलाकों में उन्हें दवाइयाँ देते हैं। रामनगर में नंदपुर गांव में अज्ञात टेम्पो 7 वर्षीय बालक को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में बालक के अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 साल का ये बालक आदित्य नेगी घर के बाहर खेल रहा था, अचानक तेज रफ्तार से आए टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।
बच्चे की चीख सुनकर घर और मोहल्ले के लोग जब बाहर आए तब टेम्पो काफी दूर निकल चुका था, जिसका नंबर भी नोट नहीं किया जा सका। बच्चे की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। माता पिता बेटे के जाने से गम में हैं। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और टेम्पो की तलाश जारी कर दी। ये एक बच्चा है 7 साल का, आदित्य नेगी नाम का। वो ऐसा बताया गया है कि अपने घर के आगे खेल रहा था और एक टेम्पो से उसको चोट लगी है, और जब 108 से यहाँ लाया गया तो उसकी मृतक अवस्था में लाया गया था, जिसके बारे में पुलिस को सूचना दी जा चुकी है और पुलिस अपनी कार्रवाई। फिलहाल इस वक्त उत्तराखंड बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।